सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं शेडिंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको बिगनिंग लेवल पे शेडिंग करनी है। तो जब हम शेडिंग करते हैं तो हम तीन चार तरीके का यूज़ करते हैं, जैसे कि हैचिंग हो गया जिसमें हम लाइनें बनाते हैं, खाली वैल्यूज देने देते हैं वहाँ पर लाइनें बना देते हैं। दूसरी होगी क्रॉस हैचिंग, इसमें हम ओवरलैप करके हैचिंग करते हैं, एक हैचिंग करी फिर उसके ऊपर दूसरी हैचिंग करी, इसे कहते हैं क्रॉस हैचिंग। और तीसरी जो हम नॉर्मल शेडिंग करते हैं जैसे ब्लेंडिंग करते हैं हम वो। तो आज की इस वीडियो में यही मैं तीसरा टाइप बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको बिगनिंग लेवल पे शेडिंग करनी है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो मैं जैसा कि हर वीडियो में कहता हूँ, सबसे पहले तो आपको ड्राइंग के लेवल पे इंप्रूवमेंट करनी है। ड्राइंग अच्छी होगी तभी आप शेडिंग पे आइए। तो मैं मान लेता हूँ आपकी ड्राइंग अच्छी है, ठीक ठाक है, तो अब शेडिंग की बारी। तो शेडिंग को समझने से पहले आपको वैल्यू स्केल समझना होगा। तो ये वैल्यू स्केल है, यहाँ पे डार्क से लेकर लाइट तक सारी वैल्यू रहती है। तो जब आप शेडिंग कर रहे हो तो इस वैल्यू स्केल को अपने पास रखें स्टार्टिंग में और देखें अपने रेफरेंस फोटो में सबसे डार्क एरिया कौन सा, सबसे लाइट एरिया कौन सा है। वो दोनों देखने के बाद उसके बीच के जो वैल्यू है वो आपको इससे देखते हुए बनानी है। आपने अपने रेफरेंस फोटो में देख लिया सबसे डार्क एरिया ये है और सबसे लाइट ये है, तो आपको ये समझ में आ गया मैं सबसे डार्क ये कर सकता हूँ और सबसे लाइट इसमें यही हो सकता है। उसके अलावा जो जितनी भी बाकी वैल्यू हो आपको उसी के अंदर रखनी है। तो वैल्यू स्केल को आप स्टार्टिंग में अपने साथ रखें और वैल्यू स्केल को बनाने की प्रैक्टिस वगैरह काफ़ी ज़रूरी होती है। तो जो शेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो शेडिंग आप कुछ भी करें, आप शेडिंग करें, कलर करें, उसमें आप कोई सा भी मीडियम यूज़ करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि आप लेयर वाइज काम करें। सबसे पहले फर्स्ट लेयर दे, सेकंड लेयर दे, उसके अकॉर्डिंग उसे डार्क करते रहे, क्योंकि लाइट को डार्क करना आसान है लेकिन डार्क को लाइट करना मुश्किल है, तो वो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए लेयर वाइज शेडिंग करें, पहली लेयर दें फिर दूसरी लेयर दें। मान लीजिए जो आप शेडिंग कर रहे हो उसमें जो डार्कनेस है वो जो वैल्यू स्केल है उसके सातवें नंबर पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेयर में शेडिंग कर दी है। ऐसा नहीं 12वीं पेंसिल ले लिया और पूरा डार्क कर दिया, उसमें फिर दिक्कत आ सकती है, गड़बड़ हो सकती है। तो इस तरीके से आपको शेडिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो ये रहे एक रेफरेंस फोटो है माँ दुर्गा की, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे सबसे डार्क एरिया कौन सा, सबसे डार्क एरिया बालों का है और सबसे लाइट एरिया जो है वो पीछे जो बादल है वो है। तो हम समझ गए सबसे डार्क जो हम कर सकते हैं वो इतना कर सकते हैं और सबसे लाइट जो हम कर सकते हैं वो जो बादल का एरिया वो। तो उसके बाद जितने भी वैल्यूज है वो हमें इन दोनों के अंदर ही रखनी है। तो यहाँ पे मैं थोड़े जल्दी जल्दी फटाफट फेस बना देता हूँ जल्दी। इसके बाद मैं क्लिप लगाऊंगा जिसमें मैं पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको लेयर वाइज शेडिंग करनी होती है। इसमें तो मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो इसमें मैंने फटाफट ये मैंने बना दिया है, कुछ ज़्यादा मैं डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू आ जाए, मैं उसी अकॉर्डिंग ही ड्राइंग कर रहा हूँ। तो ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लेयर में शेडिंग कर देनी है। बाकी मैं इसके बाद एक और क्लिप लगाऊंगा जिसमें पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब बारी है शेडिंग की। तो जैसा कि मैंने कहा कि शेडिंग आपको लेयर वाइज देनी है, ये जैसा कि सबसे डार्क एरिया है तो आपको लेयर वाइज शेडिंग देनी है। मैं भी लेयर वाइज दे रहा हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने कह दिया है कि लाइट एरिया को डार्क करना आसान होता है, तो इसलिए मैं लेयर वाइज शेडिंग कर रहा हूँ। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है ऑब्जर्वेशन। आप चीज़ों को जितना ऑब्जर्व करोगे, रेफरेंस फोटो को जितना ऑब्जर्व करोगे उतना अच्छा होगा। आप ऑब्जर्वेशन प्लस प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ें हो गई तो बहुत सही सीन हो जाता है, बहुत तगड़ा ही चीज़ हो जाता है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो काफ़ी सही हो जाती है चीज़ें। आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें कि कितना डार्क है, मुझे कितना डार्क देना है, ये ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। और प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो आपको अपनी गलतियां पता लगेगी और वो गलतियों पे आप इम्प्रूवमेंट करोगे। अब जैसे अभी आप, अगर आपने कोई अपनी बचपन की ड्राइंग देखी होगी जो आपने बचपन में बनाई होगी, वो अगर ड्राइंग आप देखोगे तो आपको आज दिखेगा कि उसमें कितनी सारी गलतियाँ हैं, लेकिन आपको बचपन में वो ड्राइंग अच्छी लग रही होती है। और आज उसमें आप गलतियाँ क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि आपकी आँखें उतनी ट्रेंड हो चुकी है कि आप गलतियाँ निकाल सको। तो यही चीज़ होती है, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता लगता है कि मैं कहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ। आपकी आंखें ट्रेन होती है गलतियाँ निकालने के लिए, और गलतियाँ निकालने में कोई शर्म की बात नहीं है, काफ़ी सारे आर्टिस्टों की गलतियाँ होती है, उसमें कोई बात नहीं है। तो वो प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूवमेंट होती है। तो यहाँ पर मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी शेडिंग कर रहा हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि किस तरीके से आपको शेडिंग कर दी है। तो स्टार्टिंग में मैं आपको टिप दूंगा कि आप ब्लेंडिंग टूल का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, आप पेंसिल से ही शेड करने की कोशिश करें, पेंसिल से उसे फ्लैट वैल्यू देने की कोशिश करें तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ब्लेंडिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो सके। जब हम कोई बड़ी
स्केच बना रहे हो, कोई बड़ा आर्टवर्क बना रहे हो, तो वो काम जल्दी हो सके इसलिए हम ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग का कोई इतना खास इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप ब्लेंडिंग करेंगे तभी आपकी ड्राइंग रियलिस्टिक बनेगी। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, फ्लैट वैल्यू अच्छे से देंगे, तो आपकी ड्राइंग अच्छी बनेगी और ब्लेंडिंग स्टंप की भी इतनी कोई ज़रूरत नहीं होगी, कोई ब्लेंडिंग टूल की ज़रूरत नहीं होगी। अब मैं एक क्लिप लगाता हूँ जिसमें मैं हेयर की ड्राइंग बना रहा हूँ और उसमें आप देखिए मैं किस तरीके से शेडिंग कर रहा हूँ। ये भी बेसिक चीज़ थी, मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपको शेडिंग करनी है। तो सेम मैं यहाँ पे यही कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने फर्स्ट लेयर दिया जहाँ पे बालों के स्ट्रोक है, जहाँ पे बालों के डायरेक्शन जा रही है वहाँ पे मैंने पहला स्ट्रोक दिया, एक फर्स्ट लेयर किया। उसके बाद उसे धीरे धीरे डार्क कर रहा हूँ। मैं चाहता तो इसे 12B से सीधा डार्क कर सकता था, लेकिन गलतियाँ होने के काफ़ी चांसेस हो सकते थे इसमें, इसलिए मैंने रियल लेयर के ऊपर काम किया है। लेयर दिया, उसका सेकेंड लेयर दिया, इससे जो है डार्कनेस काफ़ी अच्छी अचीव होती है और काफ़ी जो आपका आर्टवर्क है उसमें एक फ्लो रहता है। जैसे यहाँ पे मैं बाल बना रहा हूँ तो उस लेयर के वजह से वो जो मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ बालों के, जो डायरेक्शन दे रहा हूँ उसे मैं लेयर वाइज दे रहा हूँ, तो उससे क्या है एक फ्लो आ रहा है, एक एक रिदम सा आ रहा है इसमें, एक ड्राइंग में, जिसकी वजह से ड्राइंग अच्छी लगती है। तो इसलिए आपको लेयर वाइज काम करना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहिए। यहाँ पे जैसे मैं बालों की ड्राइंग बना रहा हूँ तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ जो बालों का डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रहा है और कैसे जा रहा है। कहीं से बाल जो है वो निकले हुए हैं, कहीं से बाल जो है वो जो पीछे आप रबर बैंड देख रहे हैं वहाँ पे बंधे हुए हैं, तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन भी जानना ज़रूरी है। ये मैं जैसे दाढ़ी बना रहा हूँ तो दाढ़ी किस डायरेक्शन में जा रही है और कितनी डार्क है कितनी लाइट है, इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करना। तो अगर आपका स्टार्टिंग में इस चीज़ पर कंट्रोल आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी हो जाएगी, तो हो सकता है आप केवल एक पेंसिल से भी, खाली एक नॉर्मल पेंसिल से भी आप पूरी ड्राइंग बना सकते हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।